गुड मॉर्निंग, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षदा में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ शो में रचना वैद्य और सचिन पिछले शो से बने हुए हैं, साथ ही अमित सेठ जुड़ेंगे और शेर खान के जतिन गेड़िया भी अपने फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और बिग मार्केट वॉइस में हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा से बिग मार्केट ट्रेंड्स और स्टॉक्स पर करेंगे खास बातचीत। लेकिन पहले एक नज़र जरा मार्केट पर, और मार्केट में एक चीज़ क्लियर है, आज गैप अप हुआ लेकिन उस गैप अप को शायद टिकने में थोड़ा फेलियर हुआ, क्योंकि उस बैंक निफ्टी और खासतौर से HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन्होंने अच्छा खासा दबाव बनाया। इसके लिए बैंक निफ्टी इस समय रेड में, लेकिन दूसरी तरफ IT अच्छा कर रहा है रिलेटिवली, और ऑयल एंड गैस आज का क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे। टॉप निफ्टी गेनर्स में BPCL 3% ऊपर, हिंडालको 2.5% और ONGC करीब 2%। तो कमोडिटी स्पेसिफिक डे, और LTI माइंट्री में अच्छे गेंस करीब करीब 2%। रिलायंस ने अच्छे मूव्स दिखाए आज 1% ऊपर, और PSU बैंकों में SBI इसने लीड ली यहाँ पर अच्छे मूव्स। डाउन साइड पर लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ग्रासिम, HDFC लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स रहे। जहाँ तक FNO स्टॉक्स की बात है, आज का टॉप गेनर बिरला सॉफ्ट जो FNO बैन से बाहर आया, हालांकि अब हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ। उसके बाद HPCL यहाँ पर अच्छे गेंस, PVR आइनॉक्स करीब करीब 3% ऊपर, और मेट्रोपोलिस यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छे खासे। जी हाँ, तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। तो क्या ट्रेड्स लेने हैं, हमारे जानकारों को जोड़ते हैं। अमित सेठ और जतिन गेड़िया इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रचना सचिन कंटिन्यू कर रहे हैं। अमित बताइए, आपका इस समय का ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड एक FMCG से रहेगा और एक ऑयल एंड गैस से रहेगा। FMCG में मेरे को मैरिको का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक ने एक सपोर्ट जो कि लगभग 635-640 के आसपास एक कंसोलिडेशन किया, और आज एक 10 DEMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और पिछले 3-4 दिनों के हाई को क्रॉस करके एक पुल बैक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। तो मैरिको में बाय करें, 664 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेंगे 682 के। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद है, दैट इज गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे भी हमने 8 से 10 दिनों का एक कंसोलिडेशन देखा, जो कि 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था, और आज स्टॉक ने गैप के साथ, गैप अप के साथ ये कंसोलिडेशन को क्रॉस किया है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल को बाय करें, करंट प्राइस लगभग 236.50 का है, टारगेट्स रहेंगे 245 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 232 का। 232 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशन, लेकिन तेजी की 245 की तरफ जा सकता है काउंटर, और मैरिको 682 का बाय साइड का ट्रेड है। जतिन, आपके ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो लॉन्ग साइड की तरफ होगा। जो पहला ट्रेड होगा वो NTPC में होगा। तो NTPC में हमने देखा है कि दो वीक का एक कंसोलिडेशन या करेक्शन हुआ था, अपने 20 डे एवरेज की तरफ आया है। और सेकंड, होल्ड योर थॉट्स, आपके ऑडियो में इनफैक्ट थोड़ी सा इको आ रहा है, तो आवाज साफ नहीं आ रही है। NTPC की बात आपकी हो रही है, टारगेट स्टॉप लॉस में लूंगी, इसको रिपैच करके आपके लिए लेकर आते हैं। इस बीच रचना को जोड़ लेते हैं। रचना जी बताइए, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरी तरफ से, जैसे सुबह हमने मेटल में इंड कॉपर की बात करी थी, वो चल रहा है अपने हिसाब से, एंड विल कंटिन्यू विद द सेम सेक्टर। नाउ वी टॉक अबाउट हिंडाल्को। हिंडाल्को में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग बन रहा है यहाँ पे अगेन मेटल, तो ये काउंटर फ्यूचर्स के हिसाब से 651 के करीब है। अगर यहाँ पे हम इसको लॉन्ग करते हैं और 647 का SL लगाते हैं, तो अपसाइड पे ये काउंटर 660 तक जा सकता है। तो पहला हो गया हिंडाल्को, और दूसरा मैं देना चाहूंगी TCS का। TCS में भी एक स्विंग बन रहा है, एंड TCS जो बेसिकली कर रहा है पिछले 4 हफ्ते के हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है ऑन अ वीकली चार्ट, एंड इवन मंथली चार्ट पे पिछले महीने के हाई को इट इज ऑब्वियसली टेकिंग आउट। तो यहाँ पे 4453 पे है प्राइस। अगर ये 4400 को होल्ड कर जाएगा फ्यूचर्स पे, तो 4500 and 4550 की तरफ TCS की फ्यूचर्स जा सकते हैं। सो वन इज हिंडाल्को, द अदर इज TCS। ओके, तो ये हो गई रचना जी की पिक्स। आप चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपकी फ्रेश पिक्स? अनुजी, एक स्टॉक जो कॉमन हो गया है वो है TCS का। लगातार यहाँ पर एक अच्छी रैली पिछले हफ्ते से यहाँ पे कंटिन्यूड है, एंड एक लाइफ हाई जोन के आसपास फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर और फर्दर स्ट्रेंथ जरूर नजर आनी चाहिए। काफी सिमिलर लेवल्स है मैडम के साथ, यू नो ऑलमोस्ट सिंक हो रहे हैं 4400 के आसपास। मुझे लग रहा है एक बेस इसने अभी फिलहाल डिस्प्ले किया है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से उसके ऊपर जब तक ये पर्टिकुलर स्टॉक रहता है तब तक मोमेंटम मुझे लग रहा है बरकरार होना ही चाहिए, एंड 4580 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाने की सलाह होगी 4400 के स्टॉप लॉस के साथ।
जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है बीपीसीएल का, एंड जिस तरीके से वीकली एंड मंथली चार्ट स्ट्रक्चर्स एग्जिबिट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है काफी बड़ी रैली के लिए वेल पोजिशन है। सो पोजिशनली मुझे लग रहा है 385 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी नजर आ रही है बीपीसीएल के काउंटर में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। सो जिस तरीके से मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 335 का जो एक वीकली गैप फिलहाल इंस्टेट हुआ है उसके नीचे जब तक ये काउंटर जाता नहीं है तब तक मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और बढ़ना ही चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट ऑन दी अपसाइड 385 के आसपास विजिबल है, तो खरीदारी करनी है बीपीसीएल के फ्यूचर में। ओके, तो बीपीसीएल के फ्यूचर में करनी है खरीदारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाजार का मेगा ट्रेंड समझाने के लिए। अब हमारे साथ हीलियोस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े हैं। समीर जी हमारे साथ ऐसे समय में जुड़े हैं जब बाजार जोरदार तेजी के मूड में है। इस रैली में किन सेक्टर्स पर पार्टिसिपेट करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, इन पर बात होगी। समीर अरोड़ा के पास इन्वेस्टिंग में 3 दशक से ज़्यादा का तजुर्बा है और ये बहुत शानदार इनके व्यूज़ रहते हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग, रक्षाबंधन लगता है आपने मना लिया, टीका देख कर लग रहा है। हाँ रक्षाबंधन राखी, वो बिल्कुल, और रक्षाबंधन जी सबको, हाँ सब आपको भी। ये आपका वो वॉल है पीछे जो मैं देखा था, या फिर नहीं, अब तो मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ वापस एक हफ्ते से। हाँ ऑफिस की वॉल है, आपको देखनी है तो देख सकते हैं। ये देखो जी, अच्छा, अरे वाह शानदार। चलिए ठीक है, अगली बार, पिछले टाइम मैं समीर जी के घर गया था तो वहाँ पर ऑफिस नहीं आए, अगली बार हाँ अगली बार ऑफिस पे जाके विजिट करता हूँ। अच्छा समीर जी, अब मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस रही पिछले 10-15 दिन में, थोड़ी करेक्शन आई मार्केट में, लेकिन फिर वही करेक्शन ज़्यादा टिकी नहीं और मार्केट ने वापस चलना शुरू कर दिया। क्या इस समय एक ओवरऑल इंडियन मार्केट पर क्या व्यू है? सो ओवरऑल इंडियन मार्केट का व्यू अच्छा है, बिकॉज एक तो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी व्यू अच्छा है, इन द सेंस कि वो जब जापान में करेक्शन हुई थी तब डर लगा था कि बिकॉज यू नो ये 2008 के बाद और उसके बाद 11 के बाद, ये मुझे हमेशा लगता है कि अब हमें इंडिया को, तब से ही मैं कह रहा हूँ कि टोटली आइसोलेटेड नहीं समझना चाहिए, इवन इफ यू हैव फ्लोज एंड ऑल दैट, बट अब उनकी जब प्रॉब्लम चल रही और हमारा वैसे ही ठीक चल रहा था, सो वो अभी के लिए पोस्टपोन हो गया। लेकिन आफ्टर द बजट हमने अपने एक दो सेक्टर्स में आप कह सकते हैं कि हमने चेंज कर दिया अपना व्यू, बट ओवरऑल बुलिश है, ओवरऑल मार्केट ठीक है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम हो जानी चाहिए कि जी पहले अगर आप 20% 40% लास्ट ईयर आई थिंक मतलब 1 ईयर के रिटर्न तो शायद 40% टाइप होंगे, कि वो आगे जाके 15% टाइप हो जाए तो बड़ी खुशी होगी। और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि फिर आप देखते हो कि कोई स्टॉक इसमें 20% टाइप अर्निंग्स ग्रोथ हो तो वो तो लाइक इट्स लाइक गॉड्स गिफ्ट, तो अब उस तरफ नजर है रादर देन कि ये 40% अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है और ये इनके मल्टीपल्स भी 50-60 हैं, या कई चीजें जैसे डिफेंस सेक्टर, जैसे रेलवे सेक्टर, या इवन कैपेक्स टाइप सेक्टर, वो फिर हमने कम करके पुरानी चीजों में ज्यादा चले गए। ओके अच्छा समीर सर एक बात बताइए, ये ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ में अप्लाई किया था क्या आपने? नहीं जी हमने किया था, अगर हमें पता होता कि ऐसे करेगा तो हम पक्का अप्लाई करते। नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन आप सरप्राइज हैं क्या, मतलब डबल हो गया? क्या होता है कि जस्टिफाई करने को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि 9 बिलियन ही तो मार्केट कैप है तो क्या हो गया, ये तो ये हो गया वो गया, बट ये तो वीसी टाइप इन्वेस्टिंग है जो वंस इन अ वाइल हमने की है, जैसे पेटीएम में, पेटीएम में तो बाद में की थी बट करेक्शन के बाद की थी ना, वो 2000 का स्टॉक जब 500 के करीब हो गया था तब की थी, एंड जोमाटो में की थी, बट ये आसान काम नहीं है। और फर्स्ट डे तो सोचा नहीं था कि इतना होगा, ऑब्वियसली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट हैज टू फॉल 30-40%, बट अगर टाइम निकल जाता तो फिर हम सोचते हैं अभी तो बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं हम लोगों को। बेस्ट ऑफ लक बिल्कुल। और जोमैटो था आपके पास? हाँ नहीं जी है, तो वो बढ़ के सेकंड पोजीशन बन गई है मेरी तो। अच्छा सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन? नहीं सेकंड नहीं है, मतलब ऊपर है, थर्ड फोर्थ मतलब काफी। हाँ हाँ, तो जोमैटो में जिस तरीके से रीरेटिंग हुई पिछले एक साल में, ट्रिपल हो गया स्टॉक का, क्या ये थोड़ा ओवरवैल्यूड लग रहा है अभी भी? ठीक है, अभी ओवरवैल्यूड नहीं है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा मोमेंटम में भी है, बट मैंने तो एक भी शेयर नहीं बेचा, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम थोड़ा थोड़ा और भी खरीदा होगा, बट ब्रॉडली अभी क्या है कि अब ये समझ आ गया जो मार्केट को पसंद है उसको चलने देते हैं, हमारे पास बफर भी काफी है,
देखते हैं क्या होता है, बट अगेन इट कैन बी जस्टिफाइड. आपको एक साल आगे पीछे करना है, नहीं जी एक साल आगे. अब आज क्यों बढ़ा मुझे नहीं पता, मैंने तो खाली एक लाइन पढ़ी थी कि उनकी राखियां बड़ी बिकी है, बट उसके लिए 3% 4% स्टॉक बढ़ना चाहिए तो खुशी की बात है. वो बढ़ाने में क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता. नहीं नहीं, ब्लिंकिट पे 15 मिनट में राखी डिलीवर हो रही थी, लेकिन एक रिपोर्ट आई थी यूबीएस की, उन्होंने बड़ा प्राइस टारगेट दिया और आई थिंक काफी उनकी जो डिलीवरी वगैरह वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है. एक्चुअली इट्स वेरी गुड. आई एम सेइंग अच्छा, आई डोंट नो कि अभी इस वीकेंड को कोई यूबीएस की रिपोर्ट आई है. दिया है जिस तरह से स्टॉक चल रहा है, यू नेवर नो, पलक झपकते कुछ दिनों में हम अगली बारी बात करेंगे वो 320 के बीच. समीर जी, ऑफकोर्स ये ना न्यू एज कंपनी में थोड़ा ट्रैक्शन है, लेकिन अपना जो ओल्ड इकोनॉमी कंपनियां है स्पेशली ऑन द आईटी साइड थोड़ा सा एक्शन आता हुआ लौटा है. कुछ कंपनियों की कमेंट्री थोड़ी सी बेहतर हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्विक्शन वाला ट्रेड दिखने लगा है क्या आपको, या फिर आप अभी भी कुछ समय देना चाहेंगे, यूएस इलेक्शंस का इंतजार करेंगे? हमने क्या किया था, हम ना 2-3 साल से, मतलब 22 के जून से करीब जीरो टाइप थे, फिर एक ही स्टॉक हमारे पास होता था KPIT. लेकिन इन द लास्ट 2 मंथ जब हमने ये रेलवे डिफेंस टाइप थोड़े कम किए, तो हमने आईटी बढ़ा के आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे फंड में 7% होगा. Now, some of it you can say is क्योंकि वो दूसरी चीज भेज दी तो यहां कर दिया. इट इज नॉट कि बड़ी ग्रेट कोई टर्न नजर आया इन टर्म्स ऑफ करेंट ईयर नंबर्स की बहुत अच्छे आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट में भी हुआ कि अब ये ग्रोथ है, उनकी अर्निंग्स भी अच्छी हैं, उनका भी इंटरेस्ट रेट कट होना है, और यहाँ पे भी हमारे को जिसमें हमने वो पैसे लगाए थे वहां से हमने वापस ले लिए, तो हमने भी आईटी बढ़ा दिया है. बट इसको हम बहुत हाईएस्ट कन्विक्शन नहीं बोल रहे अभी. अभी हम बोल रहे हैं कि ये क्योंकि 2-3 साल ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस रही है, एंड बिकॉज बाकी चीजें काफी महंगी हो गई हैं कई, तो रिलेटिवली इट लुक्स बेटर, बट अभी भी हमारा खाली वेट 7% होगा. इस समय हाईएस्ट कन्विक्शन किन स्टॉक्स पे है, कहां किस सेक्टर पे है? हाईएस्ट कन्विक्शन है ही नहीं थी, अब मीडियम कन्विक्शन है. बट अब हम जो नई चीजें ढूंढ रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारे को आप वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा कर लेना, लेकिन हमें 20% अर्निंग्स ग्रोथ एटलीस्ट दिखाओ, जो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल है अब आजकल. एक और बड़ी बेट जो आपने ली थी वो थी होटल्स में, और काफी बड़ी हमने रीरेटिंग देखी इंडियन होटल्स के स्टॉक में. ये अब लेकिन क्या आप डन है? नहीं, ओवरडन पता नहीं, बट उसमें कम हो गया. हमने भी एक होटल कम कर दिया. हमारे पास 3 होटल होते थे, लेमन ट्री, इंडियन होटल्स और जूनिपर. जूनिपर तो बहुत कम था बिकॉज वो आईपीओ टाइम में लिया था. अब हमने एक होटल उसमें से जीरो कर दिया है ऑन द बेसिस की बेस इफेक्ट वगैरह हाई है, बट स्टिल ओवरऑल द अदर 2 ऑल्सो हैवन डन वेल ग्रेट इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. अब देखते हैं इसको, बट फिर भी ये ओवरऑल थोड़ी सेक्युलर थीम है और इतनी जल्दी खत्म होनी तो नहीं चाहिए, और स्टॉक्स भी हम इतने नहीं बढ़े आफ्टर दिस करेक्शन, सो इसलिए अभी के लिए इट्स ओके. बट आई कोई बड़ा हाईएस्ट जो एक्साइटमेंट होती है जैसे मे बी 4-6 महीने या 1 साल पहले थी होटल स्टॉक में, वो नहीं है, बट दे आर ओके. अब हम तो एज आई सेड हम 35-40 स्टॉक रखते हैं, तो इसलिए उसमें एक दो स्टॉक ये भी फिट बैठते हैं इन द कंज्यूमर स्पेंडिंग टाइप दिस थिंग. साइक्लिकल चीज है, लेकिन अभी सप्लाई ऑफ होटल्स इतने नहीं है, सो अभी ठीक है. अब ये एक्सक्यूज हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि समर बड़ी गंदी थी, तो फॉरेनर्स नहीं आए, तो इंडियन टूरिस्ट नहीं आए, तो NRI नहीं आए, कि इलेक्शंस हो गए, ये सब चीजें का चलो वी कैन लेट इट बी फॉर 1 or 2 quarters, एटलीस्ट 1 quarter को चलो माफ किया जाए, आगे देखते हैं. ओके, अच्छा आपने पासिंग में बात कही कि आपने रेलवे और डिफेंस में अपना थोड़ा सा एक्सपोजर ट्रिम किया, वो क्या वैल्यूएशन कॉल थी या कुछ और? नहीं जी, उसमें क्या था कि एक स्टोरी है कि ये स्टॉक्स जो है काफी चल गए थे, और उसमें एक स्टोरी है कि बार बार आपको ये रीइन्फोर्स किया जाए गवर्नमेंट के टॉक में, बजट में, बातों में, कि हम पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं. अब अगर आप देखें कि रेलवे में जैसे
वंदे भारत के जो ऑर्डर्स भी थोड़े नए कैंसिल कर दिए गए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी मे बी रियलाइज किया कि या तो जो बेसिक ट्रैक्स हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, सिग्नलिंग वगैरह जो भी चीजें हैं वो उसमें पैसे लगाए जाएं, या कि नॉर्मल नॉन एसी बेसिक ट्रेन में पैसे लगाए जाएं, तो ये सब चीजें एकदम चेंज कर देती है, क्योंकि उसका बेनिफिशियरी कोई होता है, इसका बेनिफिशियरी कोई होता है। सेकेंड इज डिफेंस वगैरह में भी आप चाहे अपना सेम बजट रखें, सब कुछ सेम रखें, बट उसके ऊपर फिर से बढ़ाना, अगले साल फिर से बढ़ाना, दैट पार्ट इज नॉट ईजी। मुझे बिग पिक्चर में ये भी लगता है कि गवर्नमेंट का कैपेक्स अब बढ़ नहीं सकता इस लेवल से, बिकॉज एक तो आपने डेफिसिट आगे बड़ा अच्छा रखा है, विच इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, लेकिन उसका मतलब है कि आप पैसे कम खर्चेंगे। सेकेंड इसकी जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसके दो रीजंस हुए हैं, एक वो है कि जीडीपी ग्रोथ अच्छी थी, और सेकेंड था कि आपकी कंप्लायंस बढ़ रही थी, मतलब जो लोग नई टैक्स देते थे या कम टैक्स देते थे उनसे भी आप पूरा टैक्स ले रहे हैं। अब वो सेकेंड पार्ट की तो लिमिट होती है, सेकेंड पार्ट कैन नॉट बी कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो 11-12% लेकिन गवर्नमेंट का कलेक्शन ऑफ टैक्स हो 20-25%, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो जीडीपी से ही कनेक्टेड है। लेकिन शुरू में या कई सालों के लिए हुआ है बिकॉज आपने टैक्स कंप्लायंस बढ़ा दी लोगों को प्रेशर डाल के, या नए रेगुलेशन या जीएसटी व्हाटएवर, सो आफ्टर सम टाइम द कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कांट बी मच मोर देन द अंडरलाइंग ग्रोथ, तो इसलिए वो गवर्नमेंट का पीक हो गया स्पेंडिंग का, मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अब वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा बट वो चीज अब हो चुकी है मेरे हिसाब से। समीर, आपका ट्रेंड टाइटन जैसी कंपनियों पर इस समय कवरेज एक्सपोजर है क्या, स्पेशली ट्रेंड, क्योंकि नंबर्स के बाद हमने देखा हर क्वार्टर में ये हो रहा है कि नतीजे स्ट्रांग आते हैं और उसके बाद आसमान छूता है काउंटर, फिर कुछ कंसोलिडेट करता है, तो जब वो कंसोलिडेट करता है आप लोगों ने अपना पोजीशन या एक्सपोजर बढ़ाया है क्या? नहीं जी, एक्चुअली क्या हुआ, जस्ट टू टेल यू हमारी सैड स्टोरी भी सुना दें कि व्हेन आई वाज इन अलायंस तो 9.9% ऑफ द कंपनी वी यूज्ड टू ओन ट्रेंड, तो हम उस दिन कह रहे थे कि अगर हम अलायंस में होते या जिनको वो अलायंस मिली बिरला को, इन थियरी अगर उन्हें नहीं बेचे तो उनके $2 बिलियन बन गए उस ट्रेड में, और हमारे पास 9.9% ऑफ ट्रेंड वी यूज्ड टू ओन फुल कंपनी, और हम वेस्ट साइड के स्टोर में जाके कहते थे कि 1/10 तो अलायंस का है ये। अब उसके बाद हमने जब हीलियो शुरू किया उसके लिए थोड़े सालों के लिए रखा ट्रेंड, उसके बाद हमारे पास नहीं, क्योंकि हर वक्त लगता रहा तो बहुत बढ़ गया और हमने तो इतने में लिया था, तो वो हमारा मिस हुआ है, वन ऑफ आर सैड मिसेज आफ्टर ओनिंग फॉर 3-4 years लाइक नियर 10% ऑफ द होल कंपनी। 10% ट्रेंड का उस वक्त जी मार्केट कैप भी ट्रेंड की बड़ी कम होती थी, तो हाँ बट आज 25 बिलियन होते 10% के, ऑफ कोर्स इतने साल कौन होल्ड करता, कैसे होता, कैसे होता, बट अलायंस में क्यूमुलेटिवली अक्रॉस आवर फंड यूज्ड टू ऑन यार 10% 9.7%। और अब कुछ खरीदने का इरादा नहीं है या फिर बहुत भाग गया है? इसका तो नहीं है, जब इतने साल से नहीं खरीदना आप खास। अच्छा, एक आपने स्ट्रेटेजिक बेट ली थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर, वो आप आई थिंक आपने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया, उसमें मैंने अभी ऑयल एंड गैस में है क्या? नहीं, हम उसमें बहुत पैसे बन गए, लेकिन उसमें मेरा इशू ये था कि अब ना वो बड़े बड़े कैपेक्स कर रहे हैं, बड़े बड़े कैपेक्स लाइक 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, एंड मुझे एक बात, वो जो आप बात हो रही थी कैपेक्स की और उसकी, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है या अपने आप हुआ है जो भी हुआ है कि जो न्यू कैपेक्स है वो PSUs करें, बिकॉज एज ए सेड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल फिस्कल डेफिसिट, उसका पॉजिटिव ये है, मुझे लगता है कि 2-3 महीने में इंडिया का रेटिंग अपग्रेड होना चाहिए, नहीं तो आप इतना कम टारगेट नहीं बनाते, मुझे लगता है वो टारगेट इज लाइक अ नेगोसिएशन कह लें या रिक्वायरमेंट ऑफ द रेटिंग एजेंसीज, बिकॉज आपने काफ़ी कम कर दिया टारगेट भी फिस्कल डेफिसिट का, और इसलिए वो ट्रांसफर कर दिया कैपेक्स कि अब आप PSU आप करो 30,000-40,000 करोड़ सारे लगा रहे हैं, और वो दैट इज गुड फॉर इंडिया, बट जो कंपनियां इतना ज्यादा कैपेक्स करती है वो मुझे लगता है कि बेसिकली जब तक वो खत्म नहीं हो जाता कैपेक्स तब तक वो प्रेशर में रहता है, तो HPCL का वो खत्म हो गया, BPCL ने तो शुरू करना है वो कैपेक्स, सो दैट आई थिंक इज अ बिट ऑफ अ नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव। ओके, अच्छा HDFC बैंक पर अब क्या थोड़ा सा वो पेशेंस कम हो रही है या फिर अभी भी एज इट इज बनी? अभी पेशेंस करा रहे जी, बेसिकली हर वक्त क्या होता है जब मोमेंटम किसी चीज का खराब हो तो सब कुछ खराब होता है, तो अब जैसे MSCI ने कहा कि ये हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में ये वेट इंक्रीज करेंगे
HDFC बैंक का MSCI इंडेक्स में। अब उसके लिए इन्वेस्टर्स ने कोई 3-4% उस दिन स्टॉक गिरा दिया। मुझे तो लॉजिक समझ नहीं आया, बिकॉज 3 महीने में वही चीज होनी है जो आप सोच रहे थे 1 महीने में होगी, अगस्त में होगी, अब वो अगस्त प्लस नवंबर में होगी, लेकिन होगी इज नियरली गारंटीड, बिकॉज अनलेस की बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स आके कुछ $6-7 बिलियन का HDFC बैंक खरीद लें, जिससे कि उनकी वो लिमिट कम हो जाए, फिर वो सेकेंड इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन इस इंक्रीज का मतलब ये था कि 4-5-6 बिलियन की बाइंग आएगी, और दैट इज बिग बाइंग फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर FII फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लेकिन मुझे लगता है कि MSCI ने इंडिया का ज्यादा नुकसान कराया देन ऑल दीज जिनको आप लोग बेयर कहते हैं, क्योंकि ये उनके रूल में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किसी कंपनी को 0.75 वेट दिया जाए, ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्पेशली बनाया गया है। और ये मुझे नहीं लगता कि MSCI की हिम्मत होगी चाइना में या कहीं पे जाके ऐसे करने की, कि रेशियो का खाली एक ही फॉर्मूला है, या 0.5 या 1। आप 4 आदमियों ने बैठ के कहते हैं जब 0.75 कर देते हैं, ऐसे काम होने से शॉर्ट टर्म में 3-4 बिलियन के इनफ्लो कम हो गए, लेकिन वो नवंबर में आ जाएंगे। तो अभी हम चला रहे हैं, चल रहा है 11-14% टाइप ग्रोथ होगी, लेकिन आजकल वो भी मिलती नहीं है पुराने उसमें, फिर देखते हैं आगे जाके। आप समीर, आई एम नॉट श्योर आप वो महिंद्रा की थार रॉक्स देख पाए हैं या नहीं, लेकिन उसका लॉन्च काफ़ी जोरदार था, और महिंद्रा एक स्टॉक ऐसा रहा है जिसने लगातार आउट परफॉर्म किया है। अब यू नो इस कंपटीशन में जहां पर मारुति भी कह रहा है कि हम SUV बिजनेस में हर कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर गाना करने की, एंड M&M इज डूइंग व्हाट इट ऑलरेडी हैज, बेहतर निवेश क्या बनता हुआ दिखाई देगा? ये हमारे पास नहीं है ना मारुति ना महिंद्रा, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल सकते, हम शॉर्ट भी नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं है, वी हैव नो पब्लिक व्यू ऑन देम, बिकॉज हम अपने जो स्टॉक है उसका बता सकते हैं कि वी हैव इट और ये लॉजिक है, ताकि स्वजा आप इस समय इन कंपनियों में निवेशित नहीं है? सॉरी नहीं, इन दोनों में नहीं, ऑटो में नहीं, मुझे ऑटो सेक्टर ही नहीं पसंद थी, मैं तो बिग पिक्चर बात करता हूँ पहले, हमारे 8 फैक्टर होते हैं, उसमें एक भी फैक्टर में अगर नेगेटिव हो तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो स्टॉक डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें बिग पिक्चर में ऑटो सेक्टर मुझे पसंद ही नहीं है, बिकॉज ऑटो सेक्टर फंडामेंटली फ्लॉड सेक्टर है, बिकॉज आप पूरी ट्रांजिशन कर रहे हैं सारे कंट्री की, कि वो आप IC इंजन से EV टाइप कारें बनाए, ऑफकोर्स आजकल वो भी फंस गए हैं लोग, लेकिन उसमें किसी को कोई फायदा नहीं है एक्सेप्ट इन्वायरमेंट को, हम इकोनॉमिक बात कर रहे हैं कि आपने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चोगे टू मेक कार बी इंस्टेड ऑफ कार ए, लेकिन टोटल सेल्स ऑफ कार तो जो होनी थी और जो नॉर्मल ग्रोथ होनी थी वही होगी, सो मेरे हिसाब से इससे बड़ा डिस्ट्रॉइंग ऑफ कैपिटल वर्ल्ड में नहीं है। सेकेंड, आप मार्केट क्या देख लो, आप इन कंपनियों के बाहर के पी देख लो, आप ये जो अभी नई पब्लिक होनी है कंपनी उसका अपना पेरेंट का मार्केट कैप देख लो कि वो कितना है, और हमारे इंडिया में कितने में वो रेस करना चाहते हैं। अब कई लोग कहेंगे वो तो आप देख लो तो उसमें भी है, मतलब मल्टीपल लीवर का भी देख लो तो लीवर का पेरेंट का वो मल्टीपल है, लेकिन फर्क ये है कि ऑटो सेक्टर में अगर प्रोटेक्शन ना हो तो कोई इंडियन गाड़ी खरीदे ही ना, तो ये प्रोटेक्शन के हम वैल्यूएशन के मल्टीपल नहीं होते। ऑल राइट समीर सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तो ये हो गई इस समय समीर अरोड़ा से बात, आई थिंक जतिन की कॉल्स बाकी हैं। जतिन गुड मॉर्निंग, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था उस समय, अगर वो सही हुआ है तो आपकी कॉल्स क्या रहेंगे इस समय की? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, तो हमारी दो कॉल्स लॉन्ग साइड की तरफ होगी, जो पहला ट्रेड होगा NTPC में होगा। NTPC में हमने देखा है कि 2 वीक का एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसमें अपने 20 वीक को टेस्ट 20 डे एवरेज को सपोर्ट टेस्ट किया है, और वहां से फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है, तो हमें लगता है कि ये जो अपमूव है वो कंटिन्यू रह सकते हैं आने वाले दिनों में, इसके लिए NTPC में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 396 का और टारगेट रहेंगे 425 के। जो दूसरा पिक होगा वो हिंदुस्तान कॉपर में होगा, तो हिंदुस्तान कॉपर अपने 40 वीक के सपोर्ट पे आया है और वहां से हमें फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है, तो हिंदुस्तान कॉपर में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 348 का और स्टॉप लॉस रहेगा 310 का।
ओके, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स, हिंद कॉपर वैसे भी एक प्रेफर ट्रेड रहा है, सुबह में रचना जी भी मेंशन कर रही थी, इस समय करीब 2% के गेंस देखने को मिल रहे, जतिन को भी पसंद है और एनटीपीसी पर भी इनकी राय बाय साइड की ही आती हुई। शुक्रिया जतिन हमारे लिए समय निकालने के लिए, और रचना, सचिन, अमित और आप सभी से भी लेंगे इजाज़त। चलिए मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जहाँ पर आज शुरुआत ऑफकोर्स एक ज़ोरदार ओपनिंग रही, गैप अप देखने को मिला, ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा अब कंसोलिडेट करता हुआ 20 पॉइंट के गेंस निफ्टी पर, निफ्टी बैंक हालांकि इस बीच 123 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है और दबाव सबसे ज़्यादा निजी बैंक बना रहे हैं, HDFC, ICICI और अब इस समय एक्सिस भी। इसी के साथ चलिए अब नीरज जी को भी जोड़ लेंगे, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन फिलहाल अनुज और मुझे आप देंगे इजाज़त।